अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ तनवीर अफरोज साहब मौजूद हैं, मोमिन मलिक साहब, फयाज रामी साहब, फैसल अयूब साहब हमारे साथ होंगे इस लाइव में। और हम बात करेंगे कि कुछ दिन से एपी सिंह साहब ने एक दावा शुरू कर दिया है जी, पाकिस्तान चूंकि दुश्मन देश है तो गुलाम हैदर का ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान से है तो इसलिए गुलाम हैदर केस नहीं फाइल कर सकता। उस पर बात करेंगे और भी बेशुमार सवाल हैं जो हम उनके जवाब लेंगे मोमिन मलिक साहब से। तो आप जो सब जुड़ रहे हैं, आप सबको वेलकम भी है और आप जो लोग बाद में भी देखेंगे उन सबका भी हाथ शुक्रिया कि आप लोग गुलाम हैदर के इस काज के साथ जुड़े हुए हैं। आप लाइव डिबेट में हमारे साथ होंगे तो आप सवाल भी कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब मोमिन मलिक साहब से ले, और अगर उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं तो उसके जवाब भी हम भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे कि मोमिन मलिक साहब से लें। आप वेलकम करते हैं तनवीर भाई आपको, आप एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए और ये लाइव डिबेट कुछ मुख्तलिफ है क्योंकि इस केस में अब बहुत बड़ी प्रोग्रेस हो रही है। पुलिस के पास मामला पहुंच चुका है, कोर्ट में पहुंच चुका है, अब अदालती और कानूनी लिहाज से इस केस में फैसला होना है। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं क्योंकि जब से एपी सिंह साहब ने ये स्टेटमेंट देना शुरू किया है जी, क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन देश है और गुलाम हैदर का पाकिस्तान से ताल्लुक है, तो आपकी जो इंडियन लोगों से बात होती है, वहां के लोगों से बात होती है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? शहर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मोहम्मद साहब ने जब ये ऐलान किया कि हैदर भाई के हवाले से जो वीज़ा जो स्पॉन्सरशिप लेटर है भेज दिए मुतलका इदारों को, तो उसके बाद जो आपने रिस्पॉन्स देखा पूरे हिंदुस्तान से बहुत अच्छा आया और बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया। और अभी तक वो ये कह रहे हैं कि बस हमें इंतज़ार है हैदर भाई का कि वो कब पहुँचेंगे। और जो बात आप कर रहे जनाब इस हवाले से कि हैदर जो एपी सिंह साहब है उन्होंने ये कहा कि दुश्मन देश के एक व्यक्ति का हिंदुस्तान में कोई भारतीय लॉयर कोई केस फाइल नहीं कर सकता, तो उस मैं बदबख्त और घटिया इंसान को ये कहूंगा कि वो किस तरीके से ये कह सकता है। ठीक है, दुश्मन देश के उस व्यक्ति की बीवी पे इसने कब्जा किया हुआ है और उसके साथ जो कर रहा है। और अभी जो चीजें आपने मुझे कराची में कुछ दिखाई थी और अभी तो बाकायदा तौर पर हैदर भाई ने वो डिस्क्लोज कर दी है वीडियो, मैंने अभी देखी तो मैंने तो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा कि ये इसको इसका ना इसको जो मैं गालियां देने में मजबूर हो जाता हूँ इसको। तो इतना ये उल्लू का पट्टा इस तरीके से ये करता रहा है, उसके ऊपर जुल्म करवाता रहे और जो हरकतें की हैं आप सभी हैदर भाई की, अभी जो उन्होंने वीडियो पब्लिक किया आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का खेल खेलते रहे वहां पे, और उसके ऊपर कब्जा भी किया हुआ था, तशद्दुद भी करवाते रहे और जो जिनसी तशद्दुद है वो भी होता रहा। शायद भाई ऐसा ही है ना? भरपूर तरीके से वो तो देखिए 100 सबूत आ रहे हैं सामने, 100 सबूत, कोई कोई एक ऐसी बात नहीं है जो ना हो। बिल्कुल, ये गुलाम हैदर की वीडियो हमारे सामने है और गुलाम हैदर ने वो चीजें देखना दिखाना शुरू कर दी है। तो अब मतलब आप खुद बताएं कि अब इन सारे सबूतों को कौन झुठला सकता है, इन सारे भाई सबूतों को सर जी, कौन। मैं तो वही मैं तो ये कहूंगा, मैं तो वाजे तौर पे मैंने अभी वीडियो भी बना दी है, मैंने आज की जो वीडियो बनाई है मैंने सबको मैंने कहा कि जिस जिसने जो जो भी एपी सिंह का साथ देता रहा है और उसका समर्थन कर रहा है उसकी उसकी एपी सिंह तो तवायफ का बेटा है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उसकी बहन ही बेटियां सब तवायफ हैं। जिस तरीके से ये उसके साथ सलूक करता रहा, चलो वो आ गई ठीक है, हम कहते हैं कि हमारी हमारी नागरिक है, हमारे पाकिस्तानी है, उसके साथ जो भी होता रहा है, लेकिन जो जो सीमा एपी सिंह का साथ देते रहे या सीमा को भी हम बुरा भला बोलते रहे, लेकिन अंदर क्या मामला चल रहे थे। हम लोग ने शायद भाई वीडियोस भी बनाई थी कि इसके साथ क्या हुआ, लोग हमारे मजाक बनाते रहे कि आप लोगों को कैसे पता। तो आप वो देखे किस तरीके से ये खेल खेलते रहे, जिनसी तशद्दुद एक साइड पे और इसने वहां पे कोठा खोला हुआ था, अपने जो नेता मंत्री थे उनको बुलाते थे, और ये भड़वा ये एक एक खबीस किस्म का सुअर की नस्ल का ये इस तरीके का ये करता रहा। ये जो तशद्दुद की वीडियो थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं, जो दर्शक है उनको दिखा सकते हैं जो हैदर भाई ने क्लियर किए हैं। है, सारी चीजें हैदर भाई के चैनल पे मौजूद है। मतलब हम मतलब जो ये चीजें आना शुरू हुई हैं, मैंने जाती तौर पर कोशिश की कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे इन चीजों को ना रखूं, बाकी जितने भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल अपने जगह पर ठीक कर रहे होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कानूनी तौर पर गुलाम हैदर को इंसाफ मिले। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बात तो कर सकते हैं, लेकिन इसको इन चीजों को पब्लिक नहीं कर सकता। तो लेकिन ये है कि जो चीजें हम देख रहे हैं ये तो नाकाबिले बयान है। मतलब लेकिन उसके बावजूद देखिए, इंडिया से आपके बेशुमार सोर्सेज जो आपको बताते हैं और हमें भी चीजें जो पता चलती है कि ये सारा कुछ करने के बावजूद, मार पीटने खाने के बावजूद, वो इस चीज से बात नहीं आ रही कि मैं ये सब जो जो है वो मार पीट रही है या दलील हो रही हूँ और मैं वहीं पे रहूं।
मतलब वो वापस नहीं आना चाहती, वो चाहती है कि मैं ये सब कुछ करने के बावजूद भी रहूं, क्योंकि बच्चों नहीं की फोटो। शायद भाई हमारे दो नजरियात थे, एक तो जब ये ऑडियोज वीडियोज लीक हुई हैं इसके बाद से कुछ हम लोगों ने ये कहा कि शायद एपी सिंह ने ना इन्होंने वो की होगी, और हमने ये भी कहा कि क्या पता ये मजबूर भी हो, क्योंकि जब ये वीडियो के, चैनल किसका है, चैनल सीमा का तो नहीं है यार, मोबाइल जो है सीमा के पास है, क्या किसने दिया है, सीमा ने खुद दिए, देखिए वो जिसने इसको ला के दिए वही इसके इसने वो उन्हीं का है ना, तो जब वो वीडियो बनाती होंगी जाहिर से बात है पसे पड़ता कैमरे के पीछे वो लोग होते होंगे, वो उनको बोलते हैं कि आपने ऐसा बोलना है, आपने ये गुमान नहीं होने देना कि आप मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, वो तो वीडियो में अगर आप चाहें तो मैं दिखा देता हूँ, ये एक थोड़ा सा क्लिप है दर्शक को जिसमें वो खुद बोलती है। चले आप दिखाएं, आपको इख्तियार है। जिसमें वो वाजे तौर पे ये कह रही है कि मैं तो ये तो इसमें तो वो वाजे तौर पर ये कह रही कि मैं ये चाहती हूँ जान छूट जाए, मैं वापस जाना चाहती हूँ, तो इसमें देखें ये तो अब यहाँ से तो ये नजर आ रहा है कि वो लाचार है, बेबस है, लेकिन हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि जब ये चीजें भी हो रही हैं इसके ऊपर मीडिया के सामने आ रहे हैं, ये पाकिस्तान को अभी भी बुरा भला बोल रही है, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको भी बुरा भला बोल रही है, तो ये क्या है फिर, ठीक है ये समझ नहीं आ रही सर। लेकिन मैं अब ये जो चीजें मैं देख रहा हूँ और आपने कराची में मुझे दिखाई थी उस वक्त मेरे माइंड में आया था कि हो सकता है ये मजबूर हो, और अब तो जो वो खुद ये कह रही है ये कि मैं यहाँ से नहीं रहना चाहती, मैं मजबूर हूँ, तो इसका मतलब तो ये है कि ये वहां इसको बिल्कुल इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। एपी सिंह अपने जो जो हम लोग सुनते आ रहे थे कि कोई नेता आ रहा है, कोई मंत्री आ रहे हैं वहां यहाँ रघुपुरा में, तो ये वही बात है, और जो ये लड़ाई वड़ाई का भी हुआ है यही हमें सुनने में आया कि ये भी उसी सिलसिले में ऐसा हुआ था, इसको मार पिटाई हुई थी। बहरहाल जो भी है बहुत मैं तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है, और जो मैंने अब वीडियो बनाई है ना वो सुनेंगे, मैं तो आज मैंने उनको किसी को नहीं छोड़ा, जो भी एपी सिंह और इनका साथ देते रहे वो खानदानी नहीं हो सकते, वो भड़वे हैं, उनके वो जो ना उनकी माएँ बहनें बिल्कुल इसी तरह की जिस तरीके से एपी सिंह की वो है माएँ हैं बहनें वैसे ही होंगी, ये बहुत गलत हो रहा है। तनवीर भाई देखिए अपने अपने शौक भी होते हैं ना सर, अपने अपने शौक भी होते हैं, अगर इस लहज तक पहुंची है तो अपने शौक की वजह से गई है, मतलब देखिए कनपटी पे पिस्टल रखे कोई नहीं आता, आप कहीं चल के जाओगे तभी आप पहुंच पाओगे, अगर नहीं चल के जाओगे तो कोई उठा के नहीं ले जाएगा आपको, ये बात आपको देखनी पड़ेगी। बाकी जो देखें ये सारे वो सबूत या जो चीजें हैं ये पब्लिक सेंटिमेंट के लिए तो हो सकती हैं, कानून जब अपना रास्ता अख्तियार करता है तो उसके लिए अलग एक तरीका कार होता है। हमने इसलिए मोहम्मद मलिक साहब को दावा दी है कि वो आए और इन सारी बातों का वो जवाब दें कि कानूनी तौर पर ये सारी चीजें गुलाम हैदर के पास पहुंच चुकी हैं, तो मोहम्मद मलिक साहब इनको किस तरह यूज कर सकते हैं, अदालती महाज पर किस तरह ये काम आ सकती हैं। अब मोहम्मद मलिक साहब, रामे साहब और उसके बाद फैसल भाई ये भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैसेज आ चुके हैं उनके, तो लेकिन बात ये है कि डिबेट ये बड़ी होगी, सारे सवालों के जवाब होंगे, आपका गुस्सा बिल्कुल बजा है, बिल्कुल इससे ज्यादा होना चाहिए था गुस्सा, लेकिन ये है कि इस नहज तक वो अपने आप को खुद लेके गई है, इसने खुद को तबाह किया है अपने हाथों से, अब यही सारे जख्म दिखा के यही मारपीट दिखा के बच्चों को खौफजदा करती है, हिरासत करती है कि खबरदार अगर किसी ने नाम लिया तो तुम्हारा असर भी यही होगा। अब बच्चे जाहिर है कोई और रिश्तेदार है नहीं वहाँ, कोई और कोई इनके कबीले के कोई खानदान के लोग है नहीं, तो जाहिर है वो बच्चे सहमे हुए हैं, वो बेचारे मुंह तक नहीं खोल सकते, बाकी इसका तो बुरा असर हुआ है, इसका तो मतलब अंग अंग टूटा हुआ है, जो चीजें है ना ये तो आप भी दिखा रहे हैं, हमने भी देखी है और हमारे पास भी मौजूद है, अंग अंग टूटा हुआ उसका। नहीं अभी तो आज तो बाकायदा तौर पे जो दर्शक हैं जो जो आज तो खुल के देख लेंगे, जो हम लोग काफी महीनों से 2-3 महीनों से इशारों इशारों में ये कह रहे थे इस तरह की चीजें हैं, कई मरतबा ये कहा कि हमारे जो शहद भाई इनके पास चीजें हैं, तो आज तो शायद जनाब हैदर भाई ने खुद वो दिखा दी हैं, डिस्क्लोज कर दी हैं, और उनका ये भी कहना है कि ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं और वो चीजें लेकर हिंदुस्तान भी जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। चले अगर वो मजबूर है, बेबस है, अगर फंसी हुई है, तो हैदर भाई आ रहे हैं और उनके पास एक गोल्डन चांस है, जब वो जज साहब के सामने पेश होंगी तो वहां खुल के बता सकती हैं। अगर हम ये कहें कि वहाँ के जो मेन चैनल है वो न्यूट्रल नहीं है, वो सीमा का हमेशा उसके वो करते रहते हैं, उसको उकसाते रहते हैं, ये भी है,
ये चांस है, जब वो जज के सामने पेश होगी तो वहां पे वो खुल के बता सकती कि क्या होता रहा उसके साथ और क्या हो रहा है। गुलाम हैदर की हमने तो कल भी ये वाली बात की कि गुलाम हैदर की जो शराफत है, उसकी जो दयानतदारी है, वो उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की गई है। लास्ट जो गुलाम हैदर ने वीडियो बनाई थी उसके बाद फिर इन लोगों ने क्या ड्रामा रचाया कि इस वीडियो को लेके जो है वो उल्टा गुलाम हैदर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा गुलाम हैदर ने तो इनके जो जमीर मुर्दा हो चुके हैं वो झंझोड़ने की कोशिश की थी, उसको जगाने की कोशिश की थी कि भाई इंसानियत के नाते वापस आ जाए, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, इसको तहफ़ दूंगा और वापस आए बच्चों के लिए वापस आए, मैं इसको हर लिहाज से महफूज रखूंगा। लेकिन उल्टा उसके बाद आपने क्या देखा कि दो चार टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिए और उसके बाद उल्टा गुलाम हैदर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये मुसलसल चल रहा है जी। जी ये तो होता रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। और एकदम अभी जब से मोमिन साहब ने चीजें मतलब दिखाना शुरू कर दी हैं और बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि हैदर भाई के वीजे के हवाले से ये प्रोसीडिंग जारी है, तो एक मरतबा फिर ये उनका जो कुछ चैनल हैं जो उनकी फेवर में बात करते हैं तो इन्होंने उनको बुलाना शुरू कर दिया और वो चैनल ये सीमा और एपी सिंह की अच्छाइयां दिखाने में लगे हुए हैं। शायद उनको इससे कोई फायदा हासिल होगा। लेकिन देखें हम जो मोमिन साहब है वो कानून की बात करते हैं, कानून के मातहत जो होगा होगा, हमें हिंदुस्तान की अदालतों पे विश्वास है, इंशाल्लाह हक और सच का ही जीत होगी। तो अब इनका जो भी ये रंग वो करें गिरगिट की तरह रंग दिखाएं कुछ नहीं होने वाला, अब जो इन्होंने जो करना था कर लिया है, ठीक है। और बस हमें अब मुझे यकीन करें आज से आपने जो चीजें दिखाई थी वो तो कुछ विजुअल थे ना, ये तो मैंने वीडियोस देखी है, मुझे इतना नहीं पता था। मैं तो इसमें साउंड भी इसमें तो आवाज भी है ना, इसमें तो आवाज भी है उसकी, आवाज में वो खुद कह रही है कि मैं फंसी हुई हूँ, मैं तो जहां से जाना चाहती हूँ, वो खुद कह रही है। अच्छा कुछ अब जो हमारे दर्शक है वो ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान से पहले की बनी हुई है, उसने बाकायदा तौर पर वो जो होता है ना वो क्या होता है वो भी वो किया हुआ है और वो पीछे जो चैनल वगैरह है वो भी है, तो ये तो मेरे ख्याल में उसकी जेठानी भी साथ खड़ी है जहाँ पे वो बातचीत हो रही है, तो ये तो बहुत एक ब्रेकिंग न्यूज है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपका माइक बंद है सर, ये माइक को खोलिएगा सर, चले सर अपना माइक खोलिएगा, बीच में माइक का जो निशान बना हुआ है इस पे आप क्लिक कीजिएगा, वीडियो कैम के बाद वाला। माइक ऑफ है, हाँ जी आप खुल गया सर, अब ठीक है, अब ठीक है सर। मोहम्मद साहब आवाज आ रही है सर, सर आवाज आ रही है, और शायद इनके इंटरनेट का प्रॉब्लम है और अभी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल गुलाम हैदर ने देखें सब्र का पैमाना जब लबरेज होता है तो यकीनी बात है कि बहुत सारी चीजें इंसान से हो सकती हैं, हो जाती हैं गुस्से में। अब देखते हैं कि आगे इस वीडियो के बाद क्या रिएक्शन आता है और इस सारे मामले के बाद मजीद क्या होता है, ये बिल्कुल एक वक्त बताएगा आगे जाके। मोमिन मलिक साहब के इंटरनेट का इशू आ रहा है, एक मिनट सर आप वो डेटा कन्वर्ट कीजिएगा, मेरे ख्याल में आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। मोहम्मद साहब आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है सर, आप जुड़ नहीं पा रहे। सूरत हाल कुछ गंभीर है, असल में उनकी गंभीर है। आज मैंने एपी सिंह की जो ऐतिहासिक चित्रोल की है, मैं तो भाई आज मैंने नहीं बख्शा इनको, अब जिसने पाकिस्तान को बुरा वाला बोला मैंने उनको सबकी बैंड बजा दी है, ठीक है। जो भी है मैंने उनको वाजे तौर पे बोला कि वो भड़वे हैं, वो कुत्ते हैं भौंकने वाले, जो पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते हैं जी, वो जी। कोठा चलाने वालों में से हैं, उनकी माएं बहनें कोठा चलाती हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से भौंकते रहते हैं, तो आज वो सबूत भी आ चुके हैं।
अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, शायद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तनवीर भाई जारी रखें। नहीं, आपने भी वीडियो देखी होगी, मैंने अभी वीडियो देखी है जनाब हैदर भाई की, जिस तरीके से वो चीजें दिखा रहे थे। हम लोग कहते आ रहे थे कि शायद हो ये एक, हम देखें, हम ये तो कहते आ रहे थे कि सीमा ने गलती की है, वो किस तरीके से वहां घुसी है, उसने क्राइम किया, उसकी प्रोटेक्शन में लगे हुए थे एपी सिंह, जो एक भड़वा किस्म का, एक बेगैरत किस्म का महान दगड़ दल्ला है, और आज वो चीजें क्लियर हो गई है सर जी, कि ये तो इसको इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा था अपने फायदे के लिए, और पता नहीं क्या क्या अपने मंत्री नेता उनको बुला बुला के, और इस तरीके से इसका हशर नशर करके रखा हुआ है। और वो बाजाब्ता तौर पे आज जो हैदर भाई ने वीडियो डिस्क्लोज किए हैं इसमें है सीमा की, वो तो खुद कह रही है कि भाई मैं तो फंसी हुई हूँ, मैं तो यहाँ आना चाह रही हूँ। उसका तो आंग आंग जख्मी है, वो तो उसका एक है कि हर चीज उसका वो टूटा हुआ है बेचारी का। तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीजें निकल कर सामने आई है। ऐसा ऐसे इस क्या बोले, अब हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत आ चुकी है, तो हम थोड़ा सा तहजीब के दायरे में रहेंगे। सर कैसे मिला दे करिए से? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी वकील साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप सुनिए माशाल्लाह, आप कैसे हैं सर? अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल सर, बस बढ़िया। और तनवीर कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है सर जी, मैं बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाएं सर। और साहिद भाई आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक, आप ठीक हैं, खैरियत से सर? हाँ बस आपका मैसेज मिला तो, इस असल में सारा भागदौड़ का टाइम था ना ये, तो और बताइए। अच्छा सर, सर आपसे चूंकि वन टू वन में या इस तरह बात नहीं हुई काफी दिन से, सवाल एक ही है कि पाकिस्तान दुश्मन देश है और गुलाम हैदर दुश्मन देश का चूंकि शहरी है, वो इंडिया में केस नहीं कर सकता। सबसे पहले जो लोग जो आपसे जानना चाहते हैं वो ये चीज जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया की जो कानून की किताब है उसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान दुश्मन देश है और गुलाम हैदर चूंकि दुश्मन देश का शहरी है वो केस नहीं कर सकता? सर मोमिन साहब आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज सुन रहे हैं? जी जी सर, अब आ रही है। मेरा आपने सवाल सुना है तो उसका जवाब दीजिएगा सर। देखिए देखिए देखिए, कानूनी गुमराह करना एक वकील होते हुए देश को, दुनिया को, अपने क्लाइंट को कानूनी गुमराह करना, ये हमारे एडवोकेट एक्ट की प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है। अगर कोई व्यक्ति वकील है, कानून का ज्ञाता है, और वो कानून की बातों को, जो लॉज है, जो भारत के कानून है, उन पर मिसरिप्रेजेंटेशन करता है और दुनिया को गुमराह करता है, क्लाइंट को गुमराह करता है और उसकी गलत बयानी करता है, तो वो हमारा एक एडवोकेट एक्ट है उसके तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, और उसमें कंप्लेन की जा सकती है और उसमें लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है। आप देखिए कि हमने जो पिटीशन फाइल की है वो यहां पर तीन तरह की चीजें हैं, एक सीपीसी जो कि हम जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या सिविल सूट जितने भी हैं वो सीपीसी के अकॉर्डिंग हमें लाइक करते हैं, और सीपीसी के अकॉर्डिंग ही हमें उन केसेस को फाइल करना होता है जो सीपीसी में प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो सेक्शंस दिए हुए हैं। और एक है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स सीआरपीसी के तहत आती है, और आईपीसी जो है, आईपीसी में किसी भी क्राइम का, कोई भी क्राइम करता है तो उसमें उसकी पनिशमेंट का प्रोविजन है। सीआरपीसी में प्रोसीडिंग है कि कैसे आप कानून को इंप्लीमेंट करोगे, कार्य लीगल काम को करने का तरीका जो है वो सीआरपीसी है, और क्रिमिनल एक्टिविटी में सजा दिलाने का जो तरीका है वो आईपीसी है। अब हमने जो
कार्रवाई की जो दो समुदायों में गलत बयानी करके मीडिया के माध्यम से जो कोशिश की गई, जो एक पति के होते हुए दूसरी शादी का हियरसे डिक्लेरेशन, शादी भी नहीं कहते उसको, मैंने कोर्ट में भी यही बात कही थी कि शादी नहीं मानते हम उसको, ना हम शादी कहते हैं, हम तो कहते हैं हियरसे डिक्लेरेशन इन दी सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो खुद द्वारा ये बात कही गई है कि भाई सोशल मीडिया का और में सेल्फ डिक्लेरेशन जो किया है, तो वो सेक्शन 494 गलत तरीके से जो फर्जी कागजों के आधार पर बेल डाली गई, जो बेल ली गई उसमें, अब सवाल ये है कि किसी ने ये कहा कि जी वो तो पुलिस ने लिख दिया, पुलिस ने नहीं लिख दिया, वकील वही लिखेगा जो आप वकील कोई भी होता है, किसी की भी बेल हम फाइल करते हैं, कोई भी मुलजिम होता है, तो जो जिसकी बेल हमने फाइल की है वो पुलिस को जो बताता है अपने बारे में कि मेरा नाम ये है और मैं फला, वल्दियत मेरी फला है, मेरे फादर का नाम ये है, या कोई महिला पकड़ी जाती है अगर वो अनमैरिड है तो वो कहती है कि मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, और अगर शादीशुदा है तो वो कहती है मेरे हस्बैंड का नाम ये है, तो पुलिस को पूछताछ में प्रमा फैसाई और वही ऑफिशियल रिकॉर्ड माना जाता है। जो एडवोकेट होता है वो एडवोकेट वही ऑफिशियल रिकॉर्ड को देख करके बेल फाइल करता है, तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था वही प्रासर भाई ने, हेमंत प्रासर ने देख करके उसको, उनसे भी पूछा कि आपका क्या नाम है, तो हेमंत प्रासर को भी उसने नाम अपना सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर बताया, तो उन्होंने उन्हीं के बताने के आधार पर वो बेल एप्लीकेशन फाइल की और प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया, और वकालतनामे में भी यही नाम उनका लिखा और एफिडेविट में भी यही नाम लिखा और अंडरटेकिंग में भी यही नाम लिखा, तो जो उसने बताया है वही तो लिखेगा। ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये डिस्क्लोज करने वाले उस एक्यूज्ड पर ही होता है जो कि वो अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को बताता है, तो इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सीमा के ऊपर ही है। सीमा ने जो बताया कि मैं सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, वही लिखा पुलिस अधिकारियों ने और वही लिखा जो ना हेमंत प्रासर ने, तो इसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ सीमा के ऊपर है ना। बिल्कुल, तो ये हमने क्रिमिनल प्रोसीडिंग की थी और वो सीआरपीसी के तहत आती है 156(3) के तहत, और वो बोले भैया वो दुनिया को बता रहे हैं जी 83 से पीसीपीसी में कोई इसमें पाकिस्तान का रहने वाला कोई फाइल नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं ये समझौता जो एक पाकिस्तान की को जाती है, ट्रेन पानीपत में हादसा हुआ था सन 2007 में, करीब 17 साल पहले, करीब 17 साल पहले मान के चलो 17 साल पहले, उस वक्त तो हम भी नौजवान थे बिल्कुल, तो 17 साल पहले की बात है, तो वो सारे केसेस मेरे पास ही हैं, अब तक भी केस चल रहे हैं। उन लोगों के मैंने केस डाले, उन लोगों को कोर्ट से जितवाया और उन लोगों को मैंने वहीं बैठे हुए इंडिया से उनको पैसे भिजवाए जो मुआवजे के पैसे हैं, तो वो भी तो पाकिस्तान के थे, उनके केस को भी कोर्ट ने सुना, उस पर फैसला किया और वो पैसे उनको दिए गए, और ये पैसे जो दिए गए ये मैंने कोर्ट से ये ऑर्डर करा था कि ये पैसे भारत की जो सरकार है वो हमारे इंडियन हाई कमीशन को इस्लामाबाद में दे, और इंडियन इस्लामाबाद जो हमारा हाई कमीशन है वो उनको बुला करके चेक दे। कई मौकों पे तो ऐसा हुआ कि मैं खुद इस्लामाबाद गया हूं और मैंने उनको बुलाया, उनको पैसा दिलवाया और मैंने उनको आइडेंटिफाई किया कि ये वही मेरा क्लाइंट है जिसको मैं आइडेंटिफाई करता हूं, और उनको वो पैसा मिला। तो वो भी तो सिविल सूट था, रेलवे एक्ट में था, अभी भी सिविल सूट चल रहे हैं जिसके अंदर जो है ना डिक्लेरेशन सूट लगे हुए हैं, वो पाकिस्तानियों की है। कोर्ट ने उसमें, मैंने 20 लोगों को पार्टी बनाया है उसमें, जो सिविल सूट चले हुए हैं अभी तक पाकिस्तान के लोगों के,
उसमें मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया है, होम मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया है, रेलवे डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया है, और हरियाणा सरकार को पार्टी बनाया था, डीएम को पार्टी बनाया था, एसएचओ को पार्टी बनाया था, बॉर्डर के जो इंचार्ज है अटारी बॉर्डर के उसके इंचार्ज को पार्टी बनाया था, इमिग्रेशन ऑफिसर को, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर होते हैं उसको मैंने पार्टी बना रखा है, जो टिकट कलेक्टर होते हैं उसको पार्टी बना रखा है, यहां तक जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए उसको भी मैंने अपने केस में पार्टी बना रखा है। इससे बड़ा और क्या होगा, सीबीआई से ऊपर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज की जांच करती है, उसको भी मैंने पार्टी बनाया हुआ है, 20-21 लोगों को पार्टी बनाया हुआ है। और आप देखेंगे, एक मिनट होल्ड करना, मैं आपको भी दिखा देता हूं, फोन में दिखा देता हूं, और वो अब गवाही पे चल रहा है केस और उस पर डिसीजन आने वाले हैं, एक नहीं कई केस है। तो 83 के नाम पर लोगों को गुमराह करना बहुत ही बड़ी जो है वो एक प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन से बेईमानी है, लोगों को गुमराह करना, लोगों को गलत गाइड करना, कानून की गलत इंटरप्रिटेशन करना, वो गलत है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा कानून जो भारत का है वो आर्टिकल है, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 की जो आर्टिकल है वो हमें इस बात का राइट देती है कि ये देखिए आप, पहले मैं आपको पार्टी दिखा दूं, ये आपके पाकिस्तान का है, ये देखिए आप देख सकते हो, इस पे दिख रहा है आपको, पिक्चर क्लियर नहीं है। नंबर है यूनियन ऑफ इंडिया जनरल मैनेजर रेलवे, दूसरा यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार, तीसरा हाई कमीशन ऑफ इंडिया, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया आपके इस्लामाबाद में है हमारे भारत का, उसको भी मैंने पार्टी बनाया है, स्टेट ऑफ हरियाणा, सीएमओ पानीपत, डीआरएम नॉर्थन रेलवे, चीफ क्लेम ऑफिसर, सीनियर डीसीएम, सीनियर डिप्टी कमर्शियल मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर ट्रैफिक, स्टेशन मास्टर, चीफ टिकट कलेक्टर, स्टेशन मास्टर पानीपत, प्रेजाइडिंग ऑफिसर चंडीगढ़, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हमारा एसपी है उसको पार्टी बना रखा है, इमिग्रेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एनआईए, तहसीलदार हल्का, इंचार्ज डॉक्टर, एसएचओ जीआरपी, डिप्टी सीसीए, कोर्ट क्लेम रेलवे, एंड एक मैंने जज को भी पार्टी बना रखा है, जो रेलवे का जज था उसने कुछ गलत ऑर्डर किया था उसको भी पार्टी बना, और एसएचओ जीआरपी, 24 लोगों को आप देखेंगे इसके अंदर मैंने पार्टी बनाया, ये देख सकते हो आप। सही सर, इसकी आइंदा जो तारीख है वो तारीख है 23/5, अगले महीने की 23/5 की तारीख है, और ये मेरा नाम आप देख सकते हो, ये मेरा नाम भी इसके अंदर आ रहा है। तो आप इसका ऑर्डर भी देख सकते हो, जो लेटेस्ट 13/2/2024 का ऑर्डर है उसको आपको मैं दिखाता हूं कि वो आप ऑर्डर देख सकते हो सर, मेरी इसके अंदर सर आपने जो ये सूट किया है एपी सिंह साहब के मुताबिक, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है किसी भी पाकिस्तानी को तब वो केस फाइल कर सकते हैं। अब आपने गुलाम हैदर की तरफ पाकिस्तान के नाम थी, ये कोर्ट्स 83 को नहीं जानती, सेक्शन 20 आर्टिकल 21 ये कहती है कि आर्टिकल 21 जो कह वो करती है कि प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन एंड ऑल पर्सन इंक्लूडिंग दी फॉरनर्स, मतलब ना केवल भारतीयों की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाएगा बल्कि भारत के बाहर के जो लोग होंगे उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को भी भारत के अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा। और ये कहते हैं जी वो तो जो है ना वो नहीं कर सकता, क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकता, तो मैं आपको बता दूं कि एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर, वो कहता है कि कोई भी फॉरनर्स क्रिमिनल एक्टिविटी जो करता है उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग कर सकता है पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू,
ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और ये आप देखेंगे ये 2003 का ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। वो राइट देता है कि अगर कोई फॉरनर्स बाहर बैठा हो तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग को अडॉप्ट कर सकता है भारत के अंदर, उसको गवाही देने का भी राइट है, सब कुछ करने का राइट है। तो ये गुमराह किया जा रहा है। और आप देखिए कि अगर 83 हम पे, 83 तो सीपीसी है, वो तो सीआरपीसी पे लागू होता नहीं, तभी तो ऑनरेबल कोर्ट ने सुनने के बाद एसएचओ को नोटिस जारी किया है, जज है, सीनियर जज है। ये गुमराह कर रहा है कानून का, इस कानून का मुझे पता नहीं, इसको पता है या नहीं पता, या जानबूझ के ऐसे कर रहा है, तो ये स्वयं जिम्मेदार है। जी सर, रामेश साहब, तनवीर भाई आप सवाल करेंगे। जी, सर, मेरा ये मेरा आप जैसे आप कह रहे हैं गुमराह, ये गुमराह तो सर शुरू से करता आ रहा है, कभी भी इसने कानून की कोई बात नहीं की। जब भी अगर मीडिया के सामने आता है, पहली बात तो ये कि जो इसका मीडिया है वो एक इनके प्लांटेड होते हैं, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होते हैं, इनके अपने लोग होते हैं, उनको इंटरव्यू देता है, कभी भी ऐसे चैनल पे नहीं आता। और जब भी ये बात करता है तो इधर उधर की बातें करता रहता है, कभी भी कोई इससे सवाल नहीं पूछ सकता। ये तो शुरू से सर ये झूठ मकारी अयारी में सबसे आगे है, हमेशा झूठ बोलता आ रहा है। तो इसकी तो बातों में हम कैसे यकीन कर सकते हैं, कि हमें पता है कि ये झूठ बोलता है, झूठ के सिवा तो कुछ कहते ही नहीं है। और एक आपके देश का सर, एक महान वकील होकर, एक आई हुई भगोड़ी को जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके देश के जो कानून है उनकी, ये खुद अपने हाथों से उस महिला के जरिए से धज्जियां उड़वा रहा है, तो ये एक बड़े वकील को शोभा देता है सर। सर देखिए, शोभा तो ये आम इंसान को भी नहीं देता, जो एक आम इंसान है, किसी भी देश का है, चाहे आम इंसान है, यहां तक कि कोई रिक्शा पुलर भी है, कोई फलों की रेड़ी भी लगा रहा है, या कोई मजदूरी कर रहा है, और वो बासहूर है, वो इंसेंस नहीं है, उसको अकल है, उसको तमीज है, वो इंसान को भी ये शोभा नहीं देता। और पढ़े लिखे इंसान की तो ज्यादा जिम्मेदारी है, खासकर उस इंसान की जिम्मेदारी ज्यादा है जो इंसान लॉ ग्रेजुएट है, और जो अपने आप को प्रैक्टिस में कहता है कि हम प्रैक्टिस में, तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की ज्यादा है कि वो देश को गुमराह ना करे, गलत तरीके से किसी भी कानून का इंटरप्रिटेशन ना करे। अगर वो करता है तो देखो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, अपने प्रोफेशन से वो हटके बात करता है, कानून से वो हटके बात करता है। हम लोगों से ये नहीं होता, हम सब, हमारा अपना जीवन एक ऐसा रहा है, प्रोफेशनल भी और वैसा भी। आपने कभी भी देखा होगा, मैं ज्यादा बड़ी उसकी बात नहीं करता, मैं आपको कोई भी बात करता हूं, मैं कभी भी इधर उधर की बात नहीं करता, मैं सबसे पहले आपको कानून की सेक्शंस बताता हूं और किस कानून के तहत है वो बता करके तब मैं बात करता हूं। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा ये मोमेंट, देखिए सर, इसको एक सर इसको ये एहसास नहीं है कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ, जाहिर सी बात है आपने इनको काउंटर रिप्लाई किया, आपने गलत साबित किया, तो इसको इतना तो पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। मेरे से बड़े सीनियर लोग भी होंगे जो मुझे गलत साबित करेंगे, तो ये इतना ढीठ होके इस तरीके से क्यों ये बयानबाजी करता है, जबकि पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो लोग क्या इनकी बातों में आ जाएंगे, क्यों इस तरीके से, इसको पता नहीं है कि मेरे सामने जवाब आएगा, मुझे काउंटर रिप्लाई मिलेगा, तो ये इस तरीके से मुतमईन होके क्यों इस तरह बातें करता है यार। देखिए, कई बार क्या होता है कि कबूतर होता है ना, कबूतर, कबूतर तो देखा होगा आपने सभी ने, कबूतर कबूतर बिल्कुल आम बिल्कुल चीज है, कबूतर आपके यहाँ भी बहुत होते होंगे, काफी कबूतर होते होंगे, वैसे जो पालते हैं वो कबूतर भी होते हैं, कुछ जंगली कबूतर होते हैं, कबूतर की भी वेरायटी है ना अलग अलग। बिल्कुल, जी 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 लट्ठे होते हैं, एक जंगली कबूतर लट्ठा होता है ब्लैक कलर का। हाँ, वो कुछ स्लेटी कलर का होता है जंगली कबूतर, और कुछ जो घरों में पालते हैं वो व्हाइट कबूतर होते हैं, तो कबूतर की कैटेगरी भी अलग अलग है ना। अगर वो कबूतर शिकारी को देख के आंख बंद कर ले, या वो कहीं रोड पर है, वो इसलिए आंख बंद कर ले कि सामने से गाड़ी आ रही है, तू तो आंख बंद करके बैठ जा, तू बच जाएगा, तेरी आंख बंद होगी तो बच जाएगा, तो आप उस कबूतर को क्या कहेंगे, उसने समझदारी का काम किया। अगर उसने आंख बंद कर ली तो कोई भी इंसान उसको समझदारी समझदार नहीं कहेगा, उसको ये कहेगा कि वो खुद में सेल्फ सेटिस्फाइड है कि मैंने आंख बंद कर ली तो यही सब कुछ है। तो इससे बड़ी मिसाल मैं दे नहीं सकता कि इंसान जब गलत मिसगाइड लोगों को करता है, कानून का गलत हवाला देता है, और कानून के बारे में गलत तरीके, चाहे वो कोई भी है, एपी सिंह नहीं, चाहे मैं भी हूं,
मैं अपने आप को ऊपर ये बात रख के कहता हूं कि अगर मोमिन मलिक भी कानून की गलत इंटरप्रिटेशन करता है और लोगों को गुमराह करता है या कोई भी दुनिया का इंसान करता है, तो देखिए वो ऐसा है जैसे उसने आंख मीच ली हो और वो खुद सेटिस्फाई हो, तो वो खुद सेटिस्फेक्शन है उनको कि हाँ जो मैंने कह दिया सिर्फ वही ठीक है बाकी सब गलत है, तो वो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। सर गुलाम हैदर ने आज कुछ वीडियोस दिखाई हैं अपने YouTube चैनल पे जिसमें सीमा पे बदतरीन तशद्दुद हुआ हुआ है, जिसमें वो रो रही है, पीट रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो एक तो सर वो सबूत के तौर पर कहीं क्या काबिल इस्तेमाल हो सकती हैं? अस्थमा ने और भी बेशुमार लोगों ने ये दावा किया जी उनके पास भी बेशुमार सबूत हैं इसकी मारपीट के हवाले से, इसके ऊपर और भी बेशुमार चीजें, वो अगर आपके हवाले करते हैं सारी चीजें तो कोर्ट में कितना करामत साबित हो सकती है चीजें? जी जी देखिए वो अभी 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 क्योंकि एक मेरी एक पॉलिसी है काम करने की, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करता, ठीक है। और जो गुलाम हैदर ने आज ये बात की है, जो वो करता है, इसके बारे में भी मैं अभी आपसे वो अलग से मैं फोन से बात कर लूंगा आपसे, आप वकील साहब से समझते हैं, वकील साहब उस चीज को समझ रहे हैं, वो मैं आपको आपसे अलग से लूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए एक ना एक एक मतलब बेहिस होने की भी एक लिमिट है किसी भी इंसान की, वो इंसान छोटे पैमाने पे भी हो सकता है, उसका लेवल बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो मैं तो ये बात कहता हूं कि अगर वो इस नौबत पे आई है और अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप देखो ना, उसके लिए तो वो खुद ही जिम्मेदार है, या तो वो खुद पब्लिकली कहे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मुझे यहां से बचाओ या मेरे लिए कोशिश करो, तो हम उसको वहां से निकलवा के जेल में रखवा देंगे, चलो भी तुम जेल जाओ आराम से, जब तक तुम्हारा केस चलता है अपना आराम से रहो। लेकिन अब ये मिसाल ऐसी है कि गवाह तो चुस्त और मुद्दई सुस्त, यानी जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो तो चुप और गवाह जो है भाग भाग के उसकी गवाही देने के लिए आतुर है, भाग भाग के गवाही देने के लिए उसके लिए बेचैन हुआ जा रहा है कि जनाब ऐसा हुआ मैं गवाही देता हूं जनाब ऐसा। ये वो मिसाल है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, तो इसमें गवाह तो बाद में जरूरत पड़ेगी, पहले मुद्दई को होना पड़ेगा पहले। सर अगर उनकी तरफ से एक सवाल है कि क्योंकि बच्चों को उसने डराया हुआ है और बच्चे जब आमना सामना होता है गुलाम हैदर, अगर वहां आ जाते हैं कोर्ट में और बच्चे गुलाम हैदर को पहचानने से इनकार कर देते हैं, नहीं जाते गुलाम हैदर के पास, तो फिर क्या होगा? भाई साहब इतनी नौबत नहीं आने दूंगा, चिंता मत करो। हालांकि उन बच्चों को जब से मैंने ये कानूनी नोटिस दिया है और जब से मैं मेरी एंट्री हुई है और जब से उनको पता, तो उनको रोज ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को कि वो हैदर को वो पहचानने से इनकार कर दे, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, जो मुझे किसी ने बताया है, रोज ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको इस बात के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है कि जब तक हैदर आए तो वो उनको कोर्ट में इनकार कर दे आने से पहले। लेकिन अब हम भी उनके गुरु हैं, हम भी इस चीज बेहतरीन लीगल जाएंगे और वो कितनी भी कोशिश कर ले बच्चों को बहकाने की या बच्चों को ट्रेंड करने की कि भाई वो गुलाम हैदर को मानने से इनकार कर दे, कितनी भी कोशिश कर ले, कितने घोड़े दौड़ा ले, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। हमारे पास कानूनी ट्रिक्स हैं, कानूनी चालें हैं, कानूनी दाव हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं और जिनको हमने रोक दिया है और जिनको हम अभी बता भी नहीं रहे, वो समय आने पर सबके सामने आएंगी, वो हमने सब इंतजाम कर दिए, पूरी किलेबंदी कर दी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। ये हमें जरा थोड़ा सा, आपने शिनाख्त परेड की बात की, उसमें जरा थोड़ा सा बताएं कि शिनाख्त परेड कितनी जरूरी है और उससे गुलाम हैदर को क्या फायदा हो सकता है, और उसका तरीका का थोड़ा बता दें कि किस तरह से वो शिनाख्त परेड होगी। देखिए सर, आप नोट करिए कि सेक्शन 50 CRPC आप नेट पे भी लिखेंगे तो वो आपको आ जाएगा। सेक्शन 50 CRPC जो भारत का कानून है और उसमें प्रोविजन है कि भाई कोई भी व्यक्ति
जो गिरफ्तार किया जाएगा उसकी गिरफ्तारी का फौरन रूप से आप उसके घर वालों को, उसके फैमिली मेंबर को, उसके रिश्तेदार को या उसके फ्रेंड को फौरन रूप से उसका आप इंफॉर्मेशन देंगे कि ये फला आदमी या फला औरत या फला जो भी है वो हमने अरेस्ट किया है और इस मामले में अरेस्ट किया है और ये इस पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट किया है और हम इसको इस तारीख को कोर्ट में पेश करेंगे, आप लीगल पैरवी कर सकते हैं। और बाकायदा उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भी ये बताया जाता है कि आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं और इस मामले में अरेस्ट कर रहे हैं, आप चाहे तो कोई कानूनी रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं, ये कानून है। सेक्शन 50 सीआरपीसी में पुलिस जो है वो बाउंड है इंफॉर्मेशन टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द अक्यूज्ड को देने के लिए इस मामले में। और जहां पर बच्चों का सवाल है, क्योंकि बच्चे तो अरेस्ट हुए नहीं लेकिन बच्चों की कस्टडी को जो सीमा हैदर अरेस्ट की गई उससे रिकवरी किया गया, दैट मींस ये एक प्रकार का कस्टोडियल सुपरविजन हो गया, पुलिस का कस्टोडियल सुपरविजन हो गया। इसको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कह सकते बट ये कस्टोडियल सुपरविजन हो गया बच्चों का। बिल्कुल ऐसे सर, तो वो बच्चे पुलिस की सुपरदारी में चले गए क्योंकि अरेस्ट किए गए, वो फिर अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी अर्जे, तो वो सेक्शन 50 का वायलेशन किया गया उसमें नहीं बताया गया और ना ही उन बच्चों की से कोई बात, आप मदर से बात कर लो या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या फोन के द्वारा, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो हमने जो पुलिस को लेटर लिखा वो यही लिखा कि हमें आपने सेक्शन कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जब आपने सीमा हैदर को बल्लभगढ़ हरियाणा से अरेस्ट किया और ना ही उन बच्चों की रिकवरी के बारे में आपने कोई इत्तला दी, आपने सेक्शन 50 का वायलेशन किया है। अब हम चाहते हैं कि हमें सेक्शन, अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की पहचान कराई जाए ताकि हम ये सेटिस्फाई हों कि वो बच्चे हमारे ही हैं या कहीं ऐसा तो नहीं उन बच्चों को रास्ते में कहीं मार दिया गया हो, कहीं उनको कोई नुकसान पहुंचा दिया गया हो या कोई और बच्चे उनकी जगह कोई और बच्चों को फिट कर दिया गया हो। बिल्कुल सही बात सर, क्योंकि जो सीमा हैदर इतना बड़ा रिस्क लेकर के, चार बच्चों को लेकर के इतना बड़ा रिस्क लेके जो वहां से पाकिस्तान से और दुबई के रास्ते यहां पर आ सकती है, तो आप देखिए वो क्या कुछ नहीं कर सकती, आप इस बात को समझिए। बिल्कुल तो सही बात। हमने शिनाख्त परेड के लिए पुलिस को लिखा है क्योंकि क्योंकि हमें ये मजिस्ट्रेट द्वारा शिनाख्त होती है और ऐसा ऐसा हमें जो राइट दिया गया है वो सेक्शन 54, आप देखेंगे वकील साहब निकालना, सेक्शन 54 ए सीआरपीसी और सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट 1900, ये आप देखेंगे उसमें 1872 जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, वो आप उसमें देखेंगे सेक्शन 9 को, उसके अंदर ये राइट दिया गया है कि हम कोर्ट में जो व्यक्ति अरेस्ट में है उनकी शिनाख्त परेड हम कर सकते हैं, जिनको पहचान सकते हैं कि भाई ये फला फला व्यक्ति है क्राइम करने वाले तो, के नहीं तो सीमा हैदर ने जो क्राइम किया है उसको तो हम पहचानेंगे कि ये उसमें हमारे बच्चों को लेके आई है, तो क्राइम किसने किया, सीमा ने किया। बिल्कुल सही बात, तो हम सीमा को पहचानेंगे कि ये ही वो सीमा है और यही हमारे चार बच्चे हैं, तो ये कोर्ट में होगा। लेकिन कोर्ट कई बार सवाल कर लेती है कि क्या आपने कोई एप्लीकेशन, अगर आपको सूचना नहीं दी गई थी सेक्शन 50 में सीआरपीसी के तहत अरेस्ट के वक्त, तो क्या आपने कोई, ये सवाल हमसे कोर्ट में हो सकता था कि क्या आपने पुलिस डिपार्टमेंट को दी थी कि जी हमें हमारे बच्चे दिखाओ, हमारी बातचीत कराओ, हम पहचानना चाहते हैं ये हमारे वही बच्चे हैं कि नहीं। तो मैंने ये एप्लीकेशन गुलाम अदर की तरफ से ये एप्लीकेशन गई है कि जी हम बच्चे को पहचानना चाहते हैं और ये कानून कहता है, उनको कानून भी साथ साथ बताया
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जब भी हमें कोर्ट द्वारा जब हैदर भाई भारत में आएंगे तो बाकायदा हम उनको कोर्ट में पेश करेंगे और वो कोर्ट जो है बच्चों को बुलाएगी और हैदर से मुलाकात कराएगी और बातचीत कराएगी और हैदर खुद मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं जब अपने बाप को देखेंगे तो वो कितना भी पट्टी उनको पढ़ा ले, कुछ भी कर ले, एक बायोलॉजिकल फादर जो होता है तो एक खून जो होता है खून उस चीज का अपने खून में वो एक उबाल मारता है, ये कहावत है, तो वो अपने बाप को पहचानेंगे और सारे काम होंगे। बिल्कुल तो इसलिए हमने ये कानूनी इसलिए क्योंकि क्योंकि सीमा ने तनवीर भाई जी सीमा ने कही दफा ये जी एक सेकंड मैं पूरा करूं, क्योंकि हम भारत बाद सीमा हैदर के घर तो हम जाएंगे नहीं, हम भारत हम गुलाम हैदर के भारत में आने के बाद सीमा हैदर के घर तो जाएंगे नहीं, हम भारत में आने के बाद सुन रहे हैं आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं जी जी सर बोलिए हाँ मैं कह रहा हूँ भारत में गुलाम हैदर के आने के बाद हम गुलाम हैदर को लेकर उसके घर तो जाएंगे नहीं, तो हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा ना जी जी, तो हम कोर्ट पर हम कानून के द्वारा ही कोर्ट द्वारा ही उनकी मुलाकात कराएंगे, ये है। अब बताओ तनवीर भाई क्या सर जी सीमा ने कई मरतबा ये न्यूज चैनल पे बैठ के ये कहा है कि अगर हैदर भाई आ गए ना या सामने आएंगे तो मेरे बच्चे उनको नहीं पहचान पाएंगे, उनको मानते ही नहीं, मेरे बच्चों के जो मतलब जिनको पिता मानते हैं वो सच ही नहीं है, तो ये इस तरह से कुछ हो सकता है इनकी बातों में कुछ है वजन है, जब अगर जज के सामने जाएंगे बच्चे अगर उनको बच्चों को पढ़ाती है कि आप लोगों ने नहीं बोलना कि ये हमारे वालिद नहीं है या इस तरह का, फिर क्या हो सकता है सर? देखिए पहली बात तो जो वो रिलेशन है वो इलीगल रिलेशन है, वो कोई मियां बीबी का रिलेशन नहीं है इन द आई ऑफ द लॉ, और वो कोई रिलेशन नहीं है, वो उसका इलीगल फ्रेंड है, ना कि वो उसका खुद का पति नहीं है, वो उसका इलीगल फ्रेंड है, और इलीगल फ्रेंड ना उनका कहीं मैरिड रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना वो किसी भारत के किसी रिकॉर्ड के अंदर वो बतौर मियां बीबी दर्ज हुए हैं आज तक, तो वो नहीं इस बात को कानून मानेगा और ना कोर्ट मानेगा इस बात को कि भाई ये उसके पिता है, बायोलॉजिकल जो फादर है तो वो तो फादर ही रहेंगे, उसको कोई भी नहीं मना कर सकता, कहीं उसको मना नहीं किया। सर अब हैदर भाई के हवाले से जो आपने जिस दिन ऐलान किया है कि आपने बाकायदा तौर पे जो वीजा की हसूल के हवाले से स्पॉन्सरशिप लेटर लिख दिया मुतलका इदारों को, तो अब क्या होने वाला है, उनको वीजा मिल जाएगा या कुछ मसले में सहला सकते हैं, और कब तक मुमकिन है कि वो आपके देश में पहुंच गए? अब तक भारत में कम से कम मेरे ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा कि 100 से ज्यादा क्लाइंट तो मेरे भारत में मैं बुलवा चुका हूँ, 100 से ज्यादा जो आपके पाकिस्तान के हैं, और वो लाहौर के भी हैं, फैसलाबाद के भी हैं, मीरपुर खास के भी हैं, और वो कराची के भी हैं, और वो रावलपिंडी के भी हैं, पाकिस्तान का कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां से मेरे क्लाइंट भारत में मैंने ना बुलवाए हो और उन्होंने आके लीगल प्रोसीडिंग भारत में ना की हो, उनके लिए क्योंकि मैं यहाँ का शहरी हूं और मैं यहाँ का इंडियन नेशनल हूं, तो मुझे राइट है कि जिस आदमी की मुझे जरूरत पड़ेगी मैं भारत सरकार को स्पॉन्सर करूंगा कि इस आदमी की मुझे कानूनी रूप से जरूरत है, तो भारत सरकार मेरी स्पॉन्सरशिप को जिसकी मुझे जरूरत है भारत में बुलाने के लिए उनको भारत सरकार वीजा हमेशा देती है और हमेशा देगी, क्योंकि वो मेरे भारत की सरकार है और भारत की सरकार हमेशा जनरल लोगों के साथ है, हमेशा उन लोगों के साथ है जिनके साथ जुल्म जोर जबरदस्ती हुआ है या किसी के साथ किसी प्रकार की कोई ट्रेजेडी हुई है, तो भारत सरकार कभी भी जनवन कोच के लिए वीजा को मना नहीं करती है, ये हमारे भारत सरकार की पॉलिसी है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है हाँ जी, कैसे हो?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। सर ये जो सवाल कर रहे हैं ना वीजा के हवाले से, इसके लिए हमारे खदशात इसलिए जरा ज्यादा हो गए हैं कि हमने वर्ल्ड कप में देखा है तो पाकिस्तानियों को वीजा नहीं इशू हुए, इवन जर्नलिस्ट को भी वीजा नहीं इशू हुए, तो उस वजह से जरा ये सवाल मेरा ख्याल है ज्यादा तनवीर साहब ने किया है, तो मेरे भी जहन में कुछ इस तरह के खदशात थे। मेरा भी जहन में सवाल था, लेकिन जी सर बात करें। देखिए वर्ल्ड कप के बारे में तो क्योंकि मैं जो भारत की जो क्रिकेट बोर्ड है उसका मैं चेयरमैन नहीं हूं, और अगर मैं भारत का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का होता तो मैं दुनिया के तमाम लोगों को भारत में इनवाइट करता और उनको विजय दिलाता, इससे भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को भी और मजबूत होने का मौका मिलता। और जो क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो सारे मुल्कों के लोग सारे देशों मिलकर खेलते हैं और सभी एंजॉय करते हैं, तो हर देश का आदमी अपनी क्रिकेट टीम को वो आगे उसको प्रोत्साहित करता है, प्रेज करता है, उसकी अप्रिशिएट करता है, उसके वर्क को, उसके क्रिकेट को, और उसमें इंटरेस्टिंग होता है, वो अच्छा एक अच्छा माध्यम है दो देशों के बीच में आगे बातचीत बढ़ाने का और अच्छा प्यार मोहब्बत को बढ़ाने का। क्रिकेट और जो ये सिंगर होते हैं, ये कवि होते हैं, जो शायर होते हैं, तो और जो हमारे बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, हमारे एडवोकेट्स की जो टीम है, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे भारत की हो, जब ये एक दूसरे ग्रुप बना करके इंडिया के पाकिस्तान में जाते हैं या पाकिस्तान के जो डेलीगेशन है वो हमारे भारत में आते हैं, तो ये एक तरह से आपस में जोड़ता है, ये तोड़ता नहीं है। रहा सवाल टेररिज्म का तो देखिए हम सबको विरोध करना चाहिए, चाहे वो भारत में हो चाहे वो आपके पाकिस्तान में हो, और समाज के लोगों को और दोनों देशों को उसका विरोध मिलकर लड़ना चाहिए और मिलकर उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो किसी का टेररिज्म जो है ना वो भारत का है और ना वो पाकिस्तान का है, वो तो इंसानियत का दुश्मन है, तो उसके लिए तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो भी बैड एलिमेंट्स हैं उनका विरोध करना पड़ेगा। तो वो तो था क्रिकेट का मामला, ये है कानून का मामला। तो मेरी भारत की जो सरकार है वो मेरी भारत की सरकार, मैं आपको अपनी भारत की सरकार का मोमिन मलिक ये गारंटी लेके कहता है कि भारत की सरकार कभी भी किसी भी व्यक्ति का विजन नहीं रोकती है अगर उसका जेन्युइन काज है, और मेरे से ये आप गारंटी ले लो कि मेरे भारत की सरकार गुलाम हैदर की मजबूरी को, एक अभागे बाप की मजबूरी को, एक मजबूर बाप को, एक पूरी दुनिया जिसकी लुट गई है, जिसका घर बेच दिया गया, जिसपे जुल्म किए जा रहे हैं, एक वो साधारण आम जनता है, पाकिस्तान के आम नागरिक है, ऐसे इंसान को जिसके बच्चे भारत में फंसे हुए हैं और सीमा हैदर अपनी दिमाग की गलत उपज के कारण यहाँ पर फंसी हुई है और पब्लिसिटी और फेमस होने के चक्कर में और झूठे प्यार के चक्कर में, झूठे रिलेशन के चक्कर में जो उन बच्चों को रखी हुई है, उस चीज को भारत सरकार भी समझ रही है। भारत सरकार गुलाम नजर को वीजा देगी, उसके बच्चों से भी मिलवाएगी, और एक दिन देखना कि ऑर्डर तो हम कराएंगे कोर्ट से और भारत की सरकार ही उन कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके इन बच्चों को डिपोर्ट करेगी, डिप्लोमेट चैनल से ये बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। बिल्कुल सर, ऐसे मौकों पर अगर हमें कोई याद आता है तो सुषमा सिराज जी बहुत याद आती हैं। वो यकीन करें कि ट्विटर पर मेडिकल की जितनी हेल्प उन्होंने की है, जितने लोगों को वीजा दिए हैं, तो उनका ये एक बहुत बड़ा काम है। मैं हमेशा उनको बहुत गुड बुक्स में रखता हूँ, मेरी उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया अपनी जिंदगी में। एक बच्ची के हवाले से मैं पर्सनली जानता था, तो जस्ट एक ट्वीट की बेस पर उन्होंने ना सिर्फ वीजा दिलवाया अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, और उसके बाद उन्होंने इंडिया में उसका इलाज करवाया और बाद में पूछा भी जाके कि कैसा रहा ये सिलसिला। तो वो बहुत बड़े दिल की खातून थी और वाकई दर्द दिल रखने वाली इंसान थी। हमारे जो प्रधानमंत्री है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सुषमा स्वराज तो थी, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके कार्य को अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, और सेकंड टर्म पे वो प्रधानमंत्री बने हैं, और उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम में शायद थर्ड बार भी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे,
तो उनकी सोच आप देखिए कि उन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया है, पूरी दुनिया का के देशों में उनको इनवाइट किया गया है और वो वहां गए हैं और उनको हर जगह उनको इज्जत मिली है। तो उनका ये मानना है कि पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच है और वो बहुत ही चोटी के नेता है और वो वर्ल्ड लेवल के नेता है, वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम है। उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनके जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं। और आप देखिए ये जो इलीगल तरीके से भारत में आई है और ये रोज मोदी जी की और जो योगी जी की जो तस्वीर लगा रही है, वो मोदी जी हमारे बहुत सुलझे हुए दिमाग के वो इसकी सारी चालों को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात। और वो इसको हमारे मोदी जी इंसाफ करेंगे और वो वर्ल्ड के नेता है, सारी दुनिया की निगाह उनके ऊपर है, वो इसको 440 वोल्ट का झटका देंगे। हमारे मोदी जी की सरकार ही देगी इसको झटका, ये याद रखें। और मोदी जी इस गरीब पिता की मजबूरी को जरूर सुनेंगे, आप देखना इसको इसको सब कुछ वीजा भी मिलेगा और हमारी भारत की सरकार इसको पूरा सहयोग करेगी और इसकी पूरी मदद करेगी, ये ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही। और सुषमा जी को जो सुषमा जी जो अच्छे कार्य करती थी, नेक कार्य करती थी, सुषमा जी को किसने कहा था ये सब करने के लिए? सुषमा जी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही जी ने ही उनको बोल रखा था कि किसी भी इंसान का कोई दुख में दर्द में विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री से संबंधित कोई काम रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान का मरीज हो, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, अगर पाकिस्तान का व्यक्ति भी भारत की सरकार से मदद मांगता है और वो इलाज कराना चाहता है तो उसको फौरन मदद कीजिए। ये हमारे नरेंद्र मोदी की जी की तो सोच थी जिसने सुषमा स्वराज जी को काम करने के लिए कहा था, ये सोच नरेंद्र मोदी जी की है जो सारी दुनिया सारे सारे देश का वो भला चाहते हैं। और हम खुश नसीब है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है और आने वाले टाइम में वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और आपकी इस इलीगल प्रेस पासर को कान पकड़ के वही आपके देश में फेंक के मारेंगे। बिल्कुल सही। सर अक्सर एपिसेंट भी कहते हैं और बेशुमार लोग सवाल करते हैं, जब उनसे हम बात भी करते हैं तो पता चलता है कि जी सीमा के कोई डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान भेजे वेरिफिकेशन के लिए, अब तक वो वेरीफाई होके आया नहीं, तो इसलिए ना इसको जेल जाना डाल रहा है और ना ही रिपोर्ट किया जा रहा है। तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो पाकिस्तान ने भेजे हुए हैं? क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए इतना वक्त लगता है जितना भी लग चुका है? देखिए मैं आपको बताऊं, इन्होंने भेजे हुए हैं, मेरी रिपोर्ट में भी ये बात लिख के दी है, पुलिस ने लिख के दी है, लेकिन इनको रास्ते का नहीं पता, यूपी पुलिस को रास्ते का नहीं पता कि क्या रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए एक पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में इलीगल तरीके से आया है उसके डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसके डॉक्यूमेंट आपको पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं है और ना ही हमारे इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद को भेजने की जरूरत है। उसके डॉक्यूमेंट आप जो आपका सिफारती खाना भारत में है, जो आपका हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान भारत में दिल्ली में है चाणक्य रोड पर शांति पथ पे, तो आप वहां जाइए, वहां दीजिए, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको दे देंगे। सिर्फ पासपोर्ट ही वेरीफाई करना है कि ये पासपोर्ट आपका बना हुआ है या नहीं बना हुआ। आप हाई कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पाकिस्तान में दीजिए, वो 2 मिनट में करके दे देंगे। अब इस नाम पे जो ना डिले करी जा रही है तो वो गलत है। तो ये तो हमने कल वेरिफिकेशन तो इस सेंस में भी हो जाती है कि अगर नेपाल ने वीजा इशू किया है, ट्रेवल किया है, दुबई के थ्रू आई है, तो ट्रांजिट के दौरान हर जगह पर पासपोर्ट तो चेक होता है, तो पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करवाना किस सेंस में जरूरी है? वो ऐसा है ना, वो कानून ये है कि अगर कोई पासपोर्ट किसी व्यक्ति के पास है, अब भारत सरकार को या पुलिस को तो ये अथॉरिटी है नहीं कि उस पासपोर्ट को वेरीफाई कैसे करें कि ये जेन्युइन बना हुआ है या फर्जी है। तो अगर कोई इंडियन पासपोर्ट होता तो उसको तो एक मिनट में वो चेक कर लेते हैं, उस पर ऐप पे डाल करके किसके नाम बना हुआ है, जो आपके ऐप है, जो आपकी साइट है, उसको तो भारत सरकार चेक नहीं कर सकती, ना पुलिस चेक कर सकती। तो ये सिर्फ पासपोर्ट को ये चेक कराना चाह रहे हैं कि पासपोर्ट तो जेन्युइन है या नहीं है। अगर वो जेन्युइन नहीं पाया जाता तो पासपोर्ट एक्ट की सेक्शन भी लग जाएंगी उसके अंदर, चालान के अंदर। तो लेकिन इनका तरीका गलत है, इनको वहां भेजने की बजाय दिल्ली में जो आपका हाई कमीशन बैठा है यहां जाके करवा दे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर इस केस के
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कुछ नहीं पता तो वो मेरी गाड़ी में बैठ के चले, मैं उनको दिल्ली रास्ता दिखा दूंगा और साथ चल के वो जो डॉक्यूमेंट इनके वेरीफाई होने हैं, विंडो पे लाइन लगती है बाहर रोड के ऊपर, विंडो पे लाइन लगा के मैं इनके वेरीफाई करा के दे देता हूँ। ये करने वाले बने, मैं चलने के लिए तैयार हूँ साथ। मैं तो कहता हूँ सर, ये एपी सिंह और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 15-15 दिन आपसे ट्यूशन ही ले लें बेहतर है। देखिए देखो, सारे ऑफिसर तो एक जैसे होते नहीं रामे भाई, ठीक है। एक आध तो अधिकारी अपने फर्ज से भटक जाता है, तो उनका इलाज हम वकीलों के पास, उनका इलाज आपके पास भी होता होगा, वहां हमारे पास भी है। बिल्कुल तो सही बात। अगर मैं देख रहा हूं कि किसके किसका इलाज कौन सा जरूरी है, तो आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो उसको ऑपरेशन करेंगे अच्छे तरीके से, उसका लीगल ऑपरेशन, डिपार्टमेंटल ऑपरेशन करेंगे, वो आप सबके सामने आएगा। सर ऑपरेशन के लिए तो आपने दरखास्त दे दी, अभी चार चार तरह के ऑपरेशन होने हैं, पॉलीग्राफ ऑपरेशन भी होना है, ब्रेन मैपिंग भी होना है, अभी तो सारा कुछ खुल के सामने आने वाला है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, आपको वकील साहब मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो हमने तीन डिमांडें रखी हैं, और तीन डिमांड पहले रखी थी कि एपी सिंह को मिलने से रोका जाए, तो आपको पता है जब से वो हमने एप्लीकेशन दिए अधिकारियों को कि एपी सिंह को मिलने से रोका जाए, आप देखिए एपी सिंह उस दिन के बाद एपी सिंह कहीं नजर आ रहा है वहां बार बार, जो रोज जाता था तीसरे दिन चला जाता था, अब आप देख रहे हैं कि एक वो मैरिज में मुश्किल से उसको मुश्किल से अलाउड किया है, तो जो अधिकारी है उन्होंने सख्त आदेश दिए कि इसको इसको रोज रोज यहाँ नहीं आ सकता, ये कोर्ट में मिलिए जहां आपको मिलना हो, क्योंकि मैंने उसके अंदर लिख दिया था एप्लीकेशन में कि अगर इसके मिलने से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, या हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को कोई कोई नुकसान होता है, तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट कॉज, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है आप खुद जिम्मेदार हो गए। तो मैंने उनकी लायबिलिटी को फिक्स कर दिया था, तो आप देखिए कि मेरे उस लेटर की वजह से, मेरी उस कंप्लेंट की वजह से आज ये बेचारा वहां जाने के लिए तरस रहा है, इसको मिलना नहीं हो रहा है, फोन पे बात कर ले 100 बार, लेकिन ये उस दिल्ली पे जाकर के ये अपनी बहन के दर्शन करने के लिए के आज ये तरस रहा है, बुरी तरीके से तरस रहा है। आप थोड़ी एक्सेप्शन दे दें, ईद पे मिल सकता है, क्या पता वो साड़ी पहन के रात को जाता हो उसके अच्छा सर, वो नहीं सकता। क्या कह रहे हो सकता है वो कह रहे साड़ी पहन के जाता हो रात में, नहीं वो तो देखो साड़ी पहने या जीन्स पहने या कुछ भी पहने वो तो चलो उसका अधिकार है, चाहे वो अंडरवियर में चला जाए खाली या वो नाइट सूट में चला जाए, वो तो उसका अधिकार है, वो जो मर्जी पहने, लेकिन वहां पर कैमरे लगे हुए हैं 24 घंटे, और वो लिंक भी वहां के पुलिस अधिकारियों के पास है, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रशासन किसी चीज को, कानून किसी चीज को रोकना चाहे और ना रुके, वो रुकना पड़ेगा उसको। सर एक परसेप्शन है, शुरू से ये हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इलेक्शन और चुनाव तक ये मामला ऐसे रहेगा, चुनाव के बाद जो है वो बड़ी कार्रवाई हमें नजर आएगी, तो ये क्या सिलसिला है, इस परसेप्शन के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए चुनाव से इन्वेस्टिगेशन का कोई लेना देना नहीं है, चुनाव प्रोसीडिंग जो है वो ना तो ये हमारे देश की कोई नेता है, ना ये कोई हमारे देश की कोई इतनी बड़ी कोई लीडर है, ये तो इलीगल ट्रेसपासर्स है, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है और दूसरी कानूनी कार्रवाई भी हमने चला रखी है। नेट बैठ गया शायद उनका, इंटरनेट का इशू आ गया, बिल्कुल जी हाँ। बहरहाल साड़ी पहना है या कुछ करें, लेकिन ये कि उसके लिए मुश्किलात हैं, अब आसान नहीं है एपी सिंह के लिए कि एपी सिंह जो है वो जाए और अपनी मर्जी से कुछ भी करके आ जाए, तो अमीर भाई साड़ी में तो फिर चेहरा नजर आ जाएगा, मैंने कहा बुर्का ज्यादा बेहतर रहेगा, अबाया पहन कर जाए तो शायद भाई। मोमिन मलिक साहब ने ईद पे बड़ा जुल्म किया है, जो एपी सिंह पे फादी लगा दी है, बेचारा जो है वो किसी सूरत भी अब
ईद तो अभी आने वाली है ना, मैं तो होली के हवाले से काफी ज्यादा जो है वो अफसुरता हूँ कि होली जैसा अहम त्योहार और एक फिर नई नई सनातनी बनी है, तो उसके लिए होली पर अगर भैया जी नहीं है तो कितने अफसोस की बात है। वो बेचारी इसी गुस्से में वो लप्पू नाम के शख्स, जानवर नुमा शख्स की आंखों में जो है रंग फेंक रही है, तो वो गुस्से का इजहार है असल में कि मेरे भैया नहीं आए तो तुम्हारी क्या औकात है। और वैसे आजकल आप हिल नहीं रहे, मेरा ख्याल लप्पू खामोश है शायद। अच्छा सर, सर अच्छा वो सर जी मोमेंट सर, नवरात्रि के दिन आ रहे हैं तो सीमा के फिर ड्रामे शुरू होने वाले हैं। अब मेरे ख्याल में एपी सिंह साहब नहीं होंगे ये नवरात्रि के दिनों में। अब मोमेंट साहब, सर एक सवाल, चूंकि जो ऑडियो फोन कॉल रिकॉर्ड जो लीक हो रही थी बार बार, एक वो थी जब आपने लीगल नोटिस भेजा था उसमें बड़ी परेशानी थी, आपने 11 करोड़ लिखे वो 8 करोड़ पे आ गए थे, तो उसमें ये भी है कि जी आपने बड़ा परेशान कर रखा है, तो उस ऑडियो की क्या हैसियत है, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि एक आप पाकिस्तानी को खुश करते हैं बार बार डॉक्यूमेंट भेज के? नहीं देखिए, कहीं भी कोई भी इंसान है, देखिए कोई भी इंसान है वो 24 घंटे सतर्क नहीं रह सकता, 24 घंटे वो अलर्ट नहीं रह सकता, तो कहीं ना कहीं उसके आसपास के लोगों ने वो रिपोर्ट करा होगा या उसके जो नजदीक होंगे उन लोगों ने ही किया होगा और वो वायरल किया होगा। मैंने तो नहीं सुना अभी, लेकिन चलो कभी सुनेंगे तो फिर देख लेंगे। लेकिन हम इससे, हमारा काम है लीगल कार्रवाई करना। देखिए पर्सनल हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कल को यही सीमा अगर ये कहते जी मेरे से गलती हो गई है, और ये जो इनका भाई है ये कहते जी मेरे से गलती हो गई है, चलो और मैं ये मुकदमा भुगतने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने जो ना अपने शोहर के साथ जाना चाहती हूँ, अपने बच्चों को ले जाना चाहती हूँ, तो देखिए हम क्या करेंगे, फिर हमें डाइवर्ट कानूनी रूप से डाइवर्ट होकर के सारी प्रोसीडिंग को स्टॉप करना पड़ेगा और उसमें उसी हिसाब से उसके बयान कराने पड़ेंगे और उसके साथ उसको भिजवाना पड़ेगा। तो ये मियां बीबी की लड़ाई है, चलो वो भटकी हुई है, आज वो जहनी तौर से उसका तवाजो वो गलत तरीके की तरफ गया हुआ है, लेकिन हम जो कानून के करने वाले लोग हैं तो हम तो उसी हिसाब से मैनेज करके चलते हैं। हमारी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, लेकिन हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो उसके खिलाफ जो बन रही है कानूनी कार्रवाई वो कर रहे हैं, और उन बच्चों को लेने के लिए भी जो कानूनी कार्रवाई बनेगी हम उसको करेंगे और कराएंगे। अगर दोनों मियां बीबी के अगर गुलाम हैदर यहाँ आ जाता है तो मैं तो कोर्ट से भी कहूंगा एक बार, तो क्योंकि मैं सुलह में भी विश्वास रखता हूँ, सजा दिलाना ही सब कुछ नहीं है, सुलह अगर होती है, अगर इंसानियत के नाते सुलह होती है तो सुलह में भी मैं विश्वास रखता हूँ, तो कोर्ट से ऑर्डर करा करके इनकी दोनों की बातचीत भी कराई जाएगी कंसाइलेशन सेंटर के थ्रू, कि भाई इनको दोनों को बिठा करके एक बार इनकी सलाह करा दी जाए कि इनके विचार मिलते हैं नहीं, अगर वो मिलेंगे और वो मिल जाते हैं और वो जाना चाहती है तो चली, तो उसमें उसके लिए आसान है, गलती तो कर ही रही है, हो सकता है वो गुलाम हैदर के आने के बाद ये कहना शुरू कर दें हाँ मैं तो गुलाम हैदर के साथ जाऊंगी, ये भी तो हो सकता है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि उसको मारा जा रहा है पीटा जा रहा है, और अगर वो अभी कह दे कि मैं गुलाम हैदर के साथ जाऊंगी तो उस पे हो सकता है और उसकी पिटाई हो, गुलाम हैदर के आने के बाद हो सकता है वो खुद ही डिक्लेयर कर दे कि जी मैं तो अपने पति के साथ जाऊंगी जो मेरा पति है, मैं तो अपने बच्चे को लेके जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है वो अभी पिट रही है ना, आप बता रहे हो जैसे वो पिट रही है, वीडियो भी सामने आ रही है, तो आने वाले टाइम में जब वो गुलाम हैदर भारत में आ जाएगा तो हो सकता है ये एकदम पलटी मार दे और ये कहना शुरू कर दे जी मैं तो गुलाम हैदर के साथ जाऊंगी अपने बच्चों को लेके जाऊंगी, कोई पॉलिसी इसने अडॉप्ट करी हुई हो, क्योंकि ये बहुत चालाक है, ये पॉलिसी कहीं इसने अडॉप्ट ना करी हो। सर ये सुनकर अच्छा लगा कि आप सिर्फ कानूनी नुक्ता निगाह से नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी इस चीज को देख रहे हैं, और ये बड़ा जरूरी होता है एक इंसान के लिए कि दोनों पहलुओं से सोचा जाए, और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप इसमें किस तरह से एक्ट करेंगे? नहीं, अगर देखो गलती कोई भी इंसान कर सकता है, देखिए गलती जो इस दुनिया के महान जो इस दुनिया के ग्रेट पर्सन हुए हैं उनसे भी गलतियां हुई है, गलती छोटे से छोटा इंसान भी कर सकता है, मीडियम लेवल का इंसान भी कर सकता है, और टॉप लेवल का रैंकर और पोजीशन में बैठा हुआ इंसान से भी गलती कर सकता है, देखिए कोई फरिश्ता तो है नहीं इंसान, और गलती करता है इसीलिए इसको इंसान का रूप ऊपर वाले ने दिया है कि ये गलती करे और उसका रियलाइज करे और उसको रिपेंट करे और अपनी गलती को सुधार के आगे चले, इसीलिए इंसान को बनाया गया है, मेरा तो ये मानना है, मेरी जो सोच है।
तो गलती हो सकती है, हम मानते हैं चलो ठीक है वो उसने अब तक गलती की है, अब भी वो कर रही है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसको अब नहीं, अगर मान लिया गुलाम हैदर अपने बच्चे ले जाता है और सीमा को जेल हो जाती है 4 साल की या 5 साल की, मैंने बोला है कि 5 साल की जेल कराऊंगा, वो 5 साल की जेल कर देती है और उसको जेल भुगतने के बाद उसको डिपोर्ट किया जाता है, और या वो नहीं भी जाती, वो यहाँ की जेल में भी रहती है, तो उसको अब नहीं, अब से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, या ये कभी बुढ़ापे की एज में जब वो जाएगी, तो एक मोमेंट कभी ना कभी उसको ऐसी जरूर आएगी कि उसे अपने किए पर बहुत बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि जब इंसान गलती करता है उस वक्त उसको मालूम नहीं होता कि वो क्या गलती कर रहा है, उसको ये लगता है कि बस तू ही ठीक है और जो तूने ठीक कर दिया वही सब कुछ है, सारी दुनिया गलत है और आप ही ठीक हो, क्योंकि गलती करते हुए इंसान कभी भी रियलाइज नहीं करता, लेकिन समय की एक ऐसी मार है। नेट रुक गया सर, फिर नेट का इशू आ गया। तो अपना शायद भाई मोमिन मलिक साहब ने डिटेल में एक्सप्लेन किया, क्योंकि सवाल रह ही नहीं गया, उस सर छुपाने के जी के लिए जगह नहीं मिलती, तो मां सिवाय शर्मिंदगी के और उसको शर्मिंदा होने चला गया सर, नेट चला गया मुकम्मल तौर पे, जो है ना वो इंटरनेट का इशू आ गया है। बाकी ये एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है मैं समझता हूँ, इस सेंस में अगर देखा जाए तो इस केस को सिर्फ और सिर्फ कानूनी नुक्ता निगाह से नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी देखना चाहिए, रियलिटी फैक्ट्स पर भी देखना चाहिए। आखिर वो 4 बच्चों की माँ है और बच्चों को डेफिनेटली माँ की भी जरूरत होती है, तो अगर कोई शख्स अपनी की हुई गलती पर नादिम है तो डेफिनेटली ये एक पॉइंट जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। और अच्छी बात मुझे जानकर ये लगा कि मोमिन मलिक साहब इस हवाले से भी सोचते हैं, उनके जहन में कहीं ना कहीं ये बात भी है, और यही बात को वो लोग जो दूसरी पार्टी है वो इजहार करती है बहुत ज्यादा कि ऐसा हो जाएगा या ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि मोमिन मलिक साहब जो है वो इस एंगल पर भी सोचते हैं, और उनकी बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है कि अगर कल को नादिम है और समझती है कि गलत कर चुकी हूं तो सुलह का और वापसी का एक रास्ता जरूर मौजूद है। सर जी सर सर मेरा आपसे एक सवाल है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपने शुरू में कहा था कि जी मैं गार्डियन कोर्ट का या कोई ऐसा केस फाइल नहीं करूंगा, हालांकि हम तो वो समझते हैं कि आपने क्यों कहा था, लेकिन लोग कहते हैं कि जी आपका उसका कुछ मिसकंसेप्ट। भाई करूंगा तो इसमें थोड़ा क्लियर कर दें इस चीज को, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को गलत रंग देने की कोशिश करते हैं। जी सर आवाज आ रही है आपको मोमिन साहब? मोमिन सर आवाज आ रही है आपको? बीच में कनेक्शन वीक हो गया है। हाँ सर एक्चुअली हाँ कनेक्शन वीक हो गया, मैं सुन नहीं पाया। जी रामेश साहब आपको? हाँ मैं सुन नहीं पाया, कनेक्शन वीक हो गया बीच में। सर मेरा सवाल ये है, शुरू शुरू में बहुत सारे लोग आपके एक स्टेटमेंट को लेके मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, अगर जब आपने शुरू में कहा था कि मैं गार्डियन कोर्ट में या बच्चों के हवाले से दोबारा आ जाते हैं, तो जो आपने बात की ना, तनवीर भाई भी मौजूद हैं, फैसल भाई के, ये चीज होती है ना कि मसालत की तरफ चीजों को लेकर जाना, ये इंसान की शख्सियत का अंदाजा होता है यहाँ से, और यही चीज होती है जो दूसरों से आपको डिफरेंट करती है और वो इंसान की क्लास जो है वो बदल जाती है। अगर आप यही चीज एपी सिंह के साथ कंपेयर करें तो वो एक इंतजार पसंद आदमी है, हालांकि वो अगर यही रास्ता अपनाता तो वो जो निर्भया केस में उसका किरदार था उससे उसको भी धो सकता था और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी उसको। जी मोहम्मद सर जी सर जी सर सवाल ये था आपसे, मैं आप जी जी सर क्वेश्चन ये है सर कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोमिन मलिक साहब ने कहा था
कि मैं बच्चों के हवाले से कोई एक्शन नहीं ले रहा, मैं सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरफ ही जाऊंगा, तो इस चीज को लोग गलत एक मैनिपुलेट करते हैं कुछ लोग, तो ये आपने इसको किस नजरिए से कहा था ये जरा एक्सप्लेन कर दें। देखिए मैंने सारे काम किए हुए हैं, सब काम है, काम करके बताना वो मेरी, मुझे मुझे समझना है कि मुझे कब किस हालात में बताना है। मैंने सब काम किए हुए हैं और पूरी किलेबंदी की हुई है चारों तरफ से और पूरी लीगल प्रोसीडिंग को मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे जैसे मैं आपके सामने उसको डिस्क्लोज करूंगा तो ना केवल आपको बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को पता चलेगा कि किस किलेबंदी से और किस लीगल बैटल को मैंने चारों तरफ से जना रेडी किया हुआ है। मेरा बता देना वो मेरे पर डिपेंड है कि मुझे किस हालात में कब कौन क्या करना है, क्योंकि एक डॉक्टर को पता होता है कि मरीज किस तरह का मर्ज है और उस मर्ज को कौन सा इंजेक्शन देना है, कब देना है, कौन सी इसको मेडिसिन देनी है, कब उस घाव में चीरा लगाना है, कब उस घाव की के जो अंदर मवाद पड़ी हुई है उस मवाद को निकालना है और कब उसको जो है टाके लगाने हैं, कब उसको मरहम को हीलिंग करना है। तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, वो मरीज की सलाह नहीं लेता और ना ही जो पेशेंट के साथ जो लोग होते हैं उनकी सलाह लेता है, वो उस मरीज की के बेनिफिट के लिए वो उसको ऑब्जर्वेशन हर चीज को करता है और सारे टेस्ट जो होते हैं हर चीज को देखता है, शुगर लेवल ठीक है गलत है, इसका बात इसका इसका जो ग्लूकोज लेवल ठीक है, इसका जो दूसरे टेस्ट है उनकी क्या रिपोर्ट है और क्या उनका मामला है, तो वो सारी चीजें जो है वो पता चलती है इस चीज में। बिल्कुल सही हो गया सर। तो वो मैंने सारी, अब जो बच्चों की बात लड़ाई तो ये बच्चों की है ना, तो आप देखिए आपको आप हो, आपको अपने ऑफिस से घर जाना है या आपको अपने घर से नीचे रोड पे उतरना है और जो आप स्टेप आप जिन्ने का सहारा आप ले रहे हो तो उस जिन्ने से आपको नीचे उतरना है, तो अगर जिन्ने में कहीं कांटे पड़े हुए हैं कीले पड़ी हुई हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नीचे उतरने के लिए पहले वो कीले साफ करोगे ना। बिल्कुल सही। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपको आपको कहीं नमाज पढ़ने के लिए जाना है, कहीं तरावी पढ़ने के लिए जाना है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और आपके टायर के सामने बहुत सारी कीले पड़ी हुई हैं, कांटे पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं और आपका रास्ता बंद है, तो आप गाड़ी लेके कैसे जाओगे, मुझे इस बात का जवाब दो। पहले तो आपको वहां जाने के लिए, आपकी मंजिल पर जाने के लिए आपको पहले उस रास्ते को तो क्लियर करना पड़ेगा ना, जहां पर जो कांटे पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, जो रास्ते ब्लॉक हैं, जहां से आप आसानी से अपनी गाड़ी लेके जा सको। तो ये कानूनी रास्ता जो मेरी समझ है वो देखिए, वकील होते जैसे रामे साहब समझते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं उन डॉक्टर्स का अलग अलग ओपिनियन होता है, जो मरीज हैं वो पेशेंट जो है वो अलग अलग डॉक्टर्स की राय क्यों लेते हैं, किसी की राय में इलाज का कोई तरीका है, किसी की राय में कोई तरीका है, ऐसी हमें हमारी जो वकील कम्युनिटी है तो किसी का केस को फाइट करने का, चलने का, उसको जीतने का, उसको हारने का, वो सब उसका डायग्राम, किसी का कानून सभी बराबर पढ़ते हैं, लेकिन कौन आदमी उसको रामे साहब सर जबरदस्त सर, इससे बेहतर तो एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता जिस तरीके से उन्होंने कहा है, और यही बात हम कह रहे थे कि वो केस को बना ही ऐसा देना चाहते हैं एक शायद आपको कस्टडी का केस फाइल ही ना करना पड़े, यही बात मैंने की थी कि जब वो जेल में चली जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली कस्टडी जो है वो फादर के पास चली जाएगी, कुछ ऐसा स्नैच बन रहा है कि ये जेल में चली जाएगी और उसके बाद तो देखिए केस में से इतना जो टाइम हमें देखने को मिला है वो तमाम उन हर्डल्स को ही तो रिमूव किया गया है। आज आप मोमिन मलिक साहब से जब बात करते हैं तो उनके पास ऑलमोस्ट हर वो बात होती है जिसका जवाब वो दे रहे होते हैं, लेकिन जब फर्स्ट डे हमारी उनकी इस तरह से लाइव हुई थी तो उन्होंने कहा था अभी मैं केस को स्टडी करूंगा एंड देन फाउंडेशन लेवल पर जाके करना है, तो अगर फाउंडेशन लेवल्स पर जाके करना है तो इन हर्डल्स को हटाना था, उसके बाद केस का असल चेहरा हमारे सामने आना था। मलिक साहब सर जारी रखिएगा। मलिक साहब सर बात आपकी यहां रुकी थी, मैं इधर शुरू कीजिएगा। मेरा ख्याल अभी भी इंटरनेट का शायद वहां पे इशू है।
मेरा ख्याल है मलिक साहब को थोड़ी देर बाद इजाजत दें, काफी टाइम हो गया। इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से शायद हमारी आवाज भी उन तक नहीं पहुंच पा रही। कह रहा था कि आज उन्होंने तकरीबन सवा घंटे से ज्यादा टाइम दिया है, तो बिजी वकील हैं, तो उनकी ये भी बड़ी बात है फैसल भाई के वो इतना टाइम देते हैं। सही बात है, ये बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। देखिये बहुत सारी चीजें क्लियर होना जरूरी होती है, कुछ इस तरह की बातें आ जाती है, कुछ इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज आ जाती है, ऐसे सवाल आ जाते हैं कि हमें भी समटाइम लगता है कि उनको इन फ्रंट ऑफ कैमरा आना चाहिए, और जब वो इन फ्रंट ऑफ कैमरा आते हैं तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। इट्स अ पॉजिटिव थिंग, बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो जहां रुकी थी बात वहीं से शुरू कीजिएगा। हमें इस केस के मोमिन मलिक साहब के आने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो भैया साहब है वो तो किसी खाते में ही नहीं है। हम लोग तो वकील और ये कहते हैं, हमारी जुबानें नहीं थकती थी कि सीमा के वकील उस केस में जिस तरह से मीडिया में उन्होंने अपनी परसेप्शन बना दी थी, अपना एक इमेज बना दिया था, तो वो तो सारी हवा एक मोमिन मलिक साहब की 2 मिनट की वीडियो की मार थी कि जिसमें आगे उन्होंने कट्ठा चट्ठा ही खोल दिया कि ये जो नजर आ रहा है ये तो किसी खाते में ही नहीं है, इसका तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ना कोई सिग्नेटरी है। और परमार जो है वो हमारे सामने आए और उनको जब हमने देखा तो दैट वाज अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो, सारा चेंज हो गया, और उसकी औकात पहले ही 2 कौड़ी की नहीं थी, वो मजीद 4 कौड़ी से भी कम हो गई, वो किसी जोगा ही नहीं रहा। तो यहाँ से जो सिचुएशन हमें क्लियर हुई है वो मोमिन मलिक साहब के आने से। जी सर, तो मैं यही कह रहा था कि देखिए वो वकील साहब लीगल चीज को समझते हैं रामी साहब, तो मेरी मजबूरी ये थी कि एक तो यहाँ पर भारत में जो प्रोसीडिंग की गई वो बहुत लेट की गई, जब तक सीमा आदर ने यहाँ अपनी जड़े जमा ली थी, 13 लाख फॉलोअर थोड़े नहीं होते, उसने जड़े जमा ली थी और अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलकर उसने बहुत बड़ी जनता, देश की जनता को अपने सपोर्ट में कर लिया था, और गुलाम हैदर की बात कोई रखने वाला था नहीं। हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे सरकारी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, आम जनता है, पड़ोसी है, कोई भी है, हर जगह उसको सच माना जा रहा था। मेरे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने लोगों के भ्रम को, जो गलत फहमियां थी उसको दूर किया, कि हकीकत को बताया कि हकीकत भैया की ये है और इसकी ये है, सब दुनिया के सामने बताया। तो ज्यादातर लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं वो गुलाम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये मैंने, मेरा पहला स्टेप था जो कि कामयाब हुआ और पूरे भारत की जनता आज गुलाम हैदर के साथ है। दूसरा मेरा जो स्टेप आप देखेंगे कि एपी सिंह जो उसको अपना गलत माइंड उसको इंजेक्ट कर रहा था, उसको मैंने वहां जाने से रुकवाया, आज वो वहां जाने के लिए तरसता है, ये आपको पता है। तीसरी बात, जो लीगल प्रोसीडिंग थी, सारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए, सारे सर्टिफाइड कॉपी ली गई, दुनिया को बताया गया कि क्या इस केस में है और क्या बताया जा रहा है, वो दुनिया की आंखें खुली इस केस को समझने के बाद और पढ़ने के बाद, तो वो चीज बताई गई और सब चीजें दुनिया को, बेल एप्लीकेशन के अंदर गुलाम हैदर का नाम है, सब चीजों में, वो सब चीजों के अंदर आपको बताया गया। अब रहा सवाल बच्चों की कस्टडी का, तो मैंने जितने भी मेरे रास्ते में बच्चों की कस्टडी लेने के लिए जितनी भी मुसीबत परेशानी जो इन्होंने जाल बिछाए हुए थे, आज मैंने तमाम जाल को कंप्लीट कर दिया। तभी तो मैंने, अगर मैं चाहता तो गुलाम हैदर को अब से 1 महीने पहले भी बुला सकता था, लेकिन सारा कंप्लीट करने के बाद मैंने स्पॉन्सर भेजा है कि गुलाम हैदर की मुझे भारत में जरूरत है, वो क्यों भेजी है, आप ये सब समझ सकते हो। तो जो लोग कह रहे हैं जी बच्चों की कस्टडी ये वो सब कुछ मैंने किया हुआ है, बच्चों का मेडिकल का भी किया हुआ है, बच्चों की कस्टडी का भी किया हुआ है,
कोई काम ऐसा नहीं है जो मैंने लीगल तौर से ना उसको प्रिपेयर कर रखा, बट मैं उसकी जो घोषणा है उसके बारे में बताऊंगा जब उसमें कुछ होएगा, जब उसको लीगल रूप से अंजाम पूरी तरह दे दिया जा चुका होगा, ऐसे एडवांस नहीं बताता मैं। बिल्कुल जबरदस्त सर, ये चीज बहुत बहुत अच्छे तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया है। तो शायद भाई मैं तो यही कहूंगा कि मोमिन सर को इजाजत है, रोजा भी है उनका, काफी देर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं भी आपको यही कहने वाला था लेकिन क्योंकि वकील साहब बैठे हैं तो इनकी इनकी शर्म की वजह से मैंने नहीं कहा, क्योंकि ये कहेंगे कि देखो मैं वकील हूँ, मैं खुद भी वकील हूँ और आप जो है ना मैं बैठा हूँ आप भाग रहे हैं, तो मैं कहना चाह रहा था कि क्योंकि मुझे वक्त भी हो गया है तो चले सर, फिर मैंने एक वीडियो भी बनाई आज, एक वीडियो भी बनाई है, आप सभी उसको को भी मैं भेजूंगा, उसको देखना। उसके अंदर मैंने एक चैनल को जो कि सीमा भक्ति में डूबा हुआ चैनल है, उस सीमा भक्ति के डूबे हुए चैनल को मैंने जोरदार जवाब दिया। वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आज मिल जाएगी या सुबह तक मिल जाएगी, वो आप देखना। उसके अंदर मैंने लीगल रूप से जवाब दिया है और उसके बहुत बड़ी लीगल कार्रवाई भी मैं उसके खिलाफ करने जा रहा हूँ, वो मैंने डिटेल से बताया आपको उस वीडियो में, आप सुनना मेरे को जरूर। जबरदस्त, इंशाल्लाह हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट सब आपके लिए, और हम दुआ गो हैं कि जो प्लान है आपने जो एक बनाया हुआ है उसके मुताबिक ही सब कुछ हो। और ये वीडियो में कितना भी हंस लें, कितना भी मुस्कुरा लें, कितना भी दिखा लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना भी नाच ले, ढोल बजवा ले, गाने लगा ले, आप इनके बाथरूम में जाके देखोगे इनके दिन में 10 ड्रेस कम से कम जो है वो लूज मोशन से खराब होती है। इनके बाथरूम में 10 ड्रेस ऐसी मिलेगी जो सुबह से शाम तक लूज मोशन से खराब हो जाती है, जिनको ये बदलने पर ऑटोमेटिक बदलने पर जो है वो मजबूर हो जाते हैं। इनको इनको 10 लगे हुए हैं, इनको रातों की नींद उड़ी हुई है। तो तनवीर भाई अभी आपका गुस्सा ठंडा हुआ नहीं हुआ आखिरी वाली बात पे? बस हम क्या गुस्सा कर सकते हैं यार, बस हम गुस्सा करके क्या, कितना गुस्सा जो अभी आपने भी देख लिया भाई, फयाज साहब ने भी, फैसल भाई आपने वीडियो देखी होगी जनाब हैदर भाई की? नहीं मैंने अभी तक नहीं देखी, मैं एक्चुअली में सो गया था तो लेट, इसलिए उन्होंने तो आज सारी चीजें वो रिलीज की हैं उसमें, तो मैं तो ये कहूंगा खुद बोल रही है कि मैं मुझे मजबूर, वैसे वो सारी वीडियोस आ गई हैं व्हाट्सएप पे एक सोर्स के थ्रू, लेकिन वो ये बात है कि मैंने अभी तक देखी नहीं, मैं लेट ही ज्वाइन किया। आप बताएं, बात बताएं जी। नहीं वो मैं बता चुका हूं पहले, शुरुआत में मैं पहले जुड़ा था, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हम एक तरफ से ये कह रहे थे कि ये पिसिंग सब कुछ करवा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मजबूर और बेबस भी नजर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें वीडियो में वो खुद बोलती है भाई मैं तो यहाँ फंसी हुई, मुझे मैं जाना चाहती हूँ, इस हवाले से क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, फंसी फंस तो गई है सर, वो मारे कितनी देर खा सकता है इंसान, और जो खुशियों का वो सोच कर आई थी कि वहां जाऊंगी तो गुलिस्तां होंगे और मोहब्बतें होंगी, तो अब वो सारी मोहब्बतों का उसको रिवार्ड मिल रहा है। अब याद आ रहा होगा डेफिनेटली हैदर, क्योंकि हैदर जैसा इंसान तो नहीं ना कोई हो सकता कि जो पैसे भी भेजता रहे, आजादियां भी देता रहे, ये होटलिंग भी करती रहे और सब कुछ करे, तो वहां पर जाके एक घर में कितनी देर। देखिए एक इंसान है और एक इंसान की एक लिमिट होती है, आप ज्यादा दिन घर में गुजार लें, एक शहर में दें, तो फिर आपका भी दिल करता है कि जरा आउटिंग के लिए बाहर जाया जाए, कितना कितना कुछ किया जा सकता है। तो कितने अरसे से वो उस घर की दर से बाहर ही नहीं निकल पाई और किसी और जगह जा ही नहीं सकी, वाला बड़ी कोशिशें की थी, राम मंदिर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, तो बींग एन ह्यूमन, एक नॉर्मल ह्यूमन भी होगा, कितना भी शक्ति वाला हो या कितना भी वो पावरफुल हो मेंटली तौर पर, कितना भी स्ट्रांग हो, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब दूसरी तरफ से उसको नजर आ रहा हो कि दूसरी तरफ मेरी मौत है, तो बड़ा मुश्किल टाइम है। और ये जो एंड पे मोमिन मलिक साहब ने बात की है कि बजाहिर वो हंसी और मेकअप करके दिखा के जितना भी खुश दिखे, अंदर वो आठ आठ आंसू रो रहे हैं, तो एब्सोल्युटली ऐसा ही है। वाइंड अप करें फिर, आप लोगों को भी रोजे का टाइम हो रहा है तो बहुत देर बैठ गई। रामा साहब, तनवीर भाई, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तो स्टार्ट से साथ थे, तो इंशाल्लाह पे साथ होंगे। ठीक है रामा साहब, सर शुक्रिया, फैसल भाई आपका शुक्रिया, मोहम्मद मलिक साहब का शुक्रिया, और जिन लोगों ने देखा
और अपनी राय का इजहार किया, उनका भी हद शुक्रिया। आज की जो वीडियोस है और जो गुलाम हैदर साहब ने पब्लिक की हैं वो आप सबके सामने आ चुकी है, तो अब आप सब अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये औरत अब आगे इसके साथ क्या होने वाला है। ये आप जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बल्कि अब नजरें ज्यादा लगा के रखिएगा कि आप सबको अब अंदाजा होगा कि आगे इसके साथ क्या होने जा रहा है। तो अभी तनवीर भाई अभी वाइंड अप भी करते हैं, आप तो शुरू से साथ थे, तो आपको भी ठीक है भाई, बेहद शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया, वैसे भी आपका शुक्रिया, इंशाल्लाह जुड़े और जुड़ी रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़।